गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उसी के आगे जो टेंथ का सूत्र चल रहा है उसी के आगे हम बात करेंगे ग्रामर और ट्रांसलेशन की। देखिए मैंने प्रेजेंट पास्ट दोनों बता दिए थे कम्प्लीटली, उसके बाद फ्यूचर की बारी है। तो फ्यूचर बताने से पहले मैं थोड़ा प्रेजेंट और पास्ट को हाईलाइट करूँगा। प्रेजेंट के सारे चारों के चारों शुरुआत से क्या थे ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए है कि प्रेजेंट की जब बात करते हैं तो उसमें चार आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, सिंपल था, ता है ती है पहचान होती थी और हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस का यूज करते थे। अगर वो अफर्मेटिव होता था तब, अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता था देन हम डू एंड डस का यूज कर सकते थे। उसके बाद बात आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या था, रहा है, रही है और हेल्पिंग वर्ब इज एन आर इस सिंगुलर के साथ में, एम आई के साथ में और आर क्या आएगा प्लूरल के साथ में। ओके, इसके बाद बात आई थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या थी पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है इत्यादि शब्द आते हैं। ओके, उसमें क्या था हेल्पिंग वर्ब हैव, हैव सिंगुलर के साथ में हैव और प्लूरल के साथ में हैव, सिंपल था। देन उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें क्या था रहा, रही है प्लस टाइम, टाइम जब डेफिनेट होगा तो सिंस का यूज और इंडेफिनिट होगा तो फॉर का यूज। और हेल्पिंग वर्ब क्या थे उसमें, हैज बीन या हैव बीन, सेम वही सिंगुलर के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में है। उसके बाद पास्ट में भी सेम ऐसा था बेटा, पास्ट में क्या था कि उसकी पास्ट में भी चार आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहला पहचान क्या थी, ता था, ती थी, ते थे, या फिर उसमें एक चीज शायद मैंने उसमें ऐड ना की हो आप लोगों ने कि ता था ती थी के अलावा जब कभी सेंटेंस ऐसा आ जाता है कि राम बाजार गया तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको परफेक्ट में कर देते कभी कभी, तो या जी ये ओनली या जी ये, या है की बात नहीं, या था की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या जी ये यानी कि गया, लिया, दिया, ओनली लिया है, तब वो क्या होता था पास्ट इनडिफरेंट टेंस, ठीक है, यानी कि ता था ती थी होगा तब भी वही, और लिया, दिया, गया, पाया, खोया, ये सब क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सेम वही वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज होती थी, अगर नेगेटिव ही होगा तो डिड नॉट के यूज कर सकते हैं या इंट्रोगेटिव होगा तब भी डिड का यूज करेंगे। देन उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर आएगा, रहा था, रही थे, ओके सिंपल। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में वही चुका था, चुकी थे, लिया था, दिया था, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ लिया दिया के बाद में लिया था, दिया था, ठीक है, ये चीज। इसमें क्या था हैड का यूज कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेम वही रहा था, रही थी प्लस टाइम, डेफिनेट के लिए सेंस, इनडेफिनिट के लिए फॉर्म। ओके, इसके बाद आगे हम आते हैं फ्यूचर की बात। फ्यूचर में भी चार टेंस होंगे, पहला क्या होता है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, ठीक है। सबसे पहली चीज आइडेंटिटी, गा, गी, गे और हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज कर सकते हैं, विल या शैल। ओके, तो यहां पर ये ध्यान देना कि विल जो है वो अदर वर्ड्स और ये शैल जो है आई और वी के साथ में, मतलब क्या है आई और वी के साथ आपको याद रखना कि शैल का यूज होगा, बाकी जो अदर बचे वो सारे वी के साथ में। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं, रमेश विद्यालय नहीं जाएगा, तो रमेश हमने देखा क्या है कि यहाँ पर ना तो आई का ही, ना तो मैं आया है, ना तो हम आया है, तो यहाँ पर शैल का तो यूज कर नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा रमेश विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। एक चीज आप लोगों को शायद समझ में आती हो कि कभी कभी हम देखते हैं आई के साथ विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आई विल डू इट, आई शैल मीट यू, तो वहां पर आई के साथ विल का भी यूज करते हैं कभी कभी। तो ये चीज ध्यान देनी है कि जब आई के साथ विल का यूज होता है तो वहां पर उस बात के लिए होता है कि हम अपनी बात को जोर देते हैं कि हाँ मैं ये जरूर कर लूंगा, ठीक है, तो आई विल डू इट मतलब मैं इसे कर लूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन होता है, वो कंडीशन जब है म्यूचुअल फैक्ट बताए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं, सबसे पहले चीज पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, एज यूजुअल शैल जो होगा वो आई और बी के साथ और विल जो है वो अदर के साथ। एग्जाम्पल, माता जी खाना बना रही होंगी, देन क्या आएगा द मदर विल बी कुकिंग द फूड। ओके, गॉट इट। अब आगे देखिए थर्ड नंबर टेंस क्या होगा,
थर्ड नंबर आपका क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ बेटा हम कहाँ पे थे, थर्ड में। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सबसे पहली चीज आइडेंटिटी यानी कि पहचान क्या होती है, इसकी बहुत जरूरी है। तो क्या होती है, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, जैसा कि प्रेजेंट में भी होता था लिया है दिया है, और पास्ट में भी होता था लिया था दिया था, सेम वही चीज यहाँ पर क्या है, लिया होगा दिया होगा या एज ए वर्ब करते हैं। एज वर्ब क्या होती है, विल हैव या शैल है, ठीक है, और वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि परफेक्ट कोई भी टेंस होगा, वो फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, डजंट मैटर, आपको परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म यूज करनी ही करनी है। ओके, एग्जांपल, तुम खाना खा चुके होगे, ठीक, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, विल है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ईट होती है, ईटन होने लगा दी थर्ड फॉर्म उसकी, द फूड। ओके कन्फर्म। ओके फोर्थ नंबर में बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी का भी होगा, वो होता कॉन्टिन्यूअस तरीके से, प्लस उसमें एडिशनल चीज क्या जाती है बेटा, टाइम। ओके, जब भी टाइम बढ़ जाए किसी में भी, अगर कॉन्टिन्यूअस के टेंस में टाइम बढ़ा दें तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहुंच जाता है। आइडेंटिटी क्या है, पहचान, रहा होगा रही होगी सेम, और प्लस टाइम दिया होता है, 2 बजे से 3 बजे से 4 घंटे से सुबह से शाम से इट इज। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन शैल हैव बीन, ध्यान रखना परफेक्ट में विल हैव होता ओनली, ये बीन नहीं होता है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन। एज यूजुअल जो शैल वाला पोर्शन होगा वो आई और वी के साथ, अदर पोर्शन किसके साथ में, विल के साथ। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं, मैं शाम से मैच खेल रहा हूँ, ठीक है, क्या हो गया, आगे देखा मैं, मैंने बताया था आई और बी के साथ शैल, तो आई के साथ क्या यूज होगा, शैल वाला पोर्शन, तो आई शैल हैव बीन, ठीक है, खेलने की प्लेट, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहुंच गया, तो प्लेइंग द मैच कहाँ से, और फिर देखो ये शाम आ गया, ऐसा तो नहीं शाम 2-4 बार होती है, शाम एक ही बार होती है, सुबह भी एक बार होती है, दोपहर भी एक ही बार होती है, तो ये सब सारे क्या है, डेफिनेट टाइम में आ जाते हैं, तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस इवनिंग। ओके, तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये जो ग्रामर की ट्रांसलेशन है, अब आगे चल के आप जब आप क्लास आपका और ऊपर बढ़ेगा तब क्या होगा, आप 9th में जाएंगे स्टोरीज, 10th में जाएंगे स्टोरीज प्लस पैसेज, और इंटर में जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब आएंगे। तो ये समझ लो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ग्रामर का, ये बेस है, स्तंभ है, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप ना इसको स्टोरी बना पाएंगे, ना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज ये है, ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आता, बार बार देखो वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके उसमें है, आप जब चाहे तब देखो। ओके, ध्यान आ गया, आई बात समझ में, आगे मैं इसकी अभी प्रैक्टिस वाली वीडियो डाल दूंगा, करीब 15 से 20 ट्रांसलेशन हर एक टाइप के होंगे, वो आपको दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, और मैं उसके अगले दिन आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, सर ये डाउट है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।